सो दोस्तों आज मेरे पास वन प्लस की तरफ से ब्लैक सा पाउच आया है, ब्लैक सा बैग यहाँ पर आया है और इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर हमें वन प्लस नोट 2 मिलने वाला है, फिर भी चलिए देख लेते हैं और पहले बैग को ही यहाँ पर हम अनबॉक्स अनरैप कर देते हैं। तो ये है वो बॉक्स जो आपको मिलेगा जब आप फ़ोन ख़रीदने जाएंगे और ये कुछ वन प्लस नोट जैसा ही बॉक्स है। इसके ऊपर एक फिल्म लगी है यहाँ पर, इसको जल्दी से हम हटा लेते हैं और फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। फाइनली वन प्लस नॉट 2 हमारे पास है। आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स, मैं हूँ शिवम चौधरी और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों फिल्म तो हमने हटा ली है, सील्स वगैरह चेक करते हैं कोई है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल सेम वैसा ही बॉक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जैसा कि वन प्लस नॉट का था। सेम वन प्लस नॉट 2 का यहाँ पर बॉक्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पर वन प्लस नॉट 2 लिखा है। पीछे फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, हम यहाँ पर इसको अनबॉक्स करते हैं। वाह, कुछ वैसा ही। एंड ये है फ़ोन। खैर अब इसको साइड रखते हैं, पहले बॉक्स कॉन्टेंट पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों एक यहाँ पर आपको सिलिकॉन केस मिल जाता है जो कि यहाँ पर देखिए आप डिज़ाइन के साथ, मैट फिनिश वाले डिज़ाइन के साथ मिल रहा है, विच इज़ नाइस। इसको यहाँ प्लेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और पैकेट और है जिसके अंदर क्या मिल रहा है दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिल रहे हैं वन प्लस के, एक नोट मिल रहा है जिसमें वन प्लस की तरफ से आपको वेलकम किया गया है नोट टीम में, नोट फैमिली में, और यहाँ पर रेड केबल क्लब का कार्ड है, क्विक स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है और ये स्टिकर्स हैं। इनको भी यहाँ पर हम साइड करते हैं और यहाँ आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है दोस्तों, इसको भी हम इधर रखते हैं फिलहाल। और यहाँ पर आपको मिलती है USB 2 टाइप सी केबल और इसी के साथ यहाँ पर 65 वॉट का यहाँ पर आपको एक एडेप्टर मिल जाता है। अब बॉक्स को साइड हटाते हैं, फ़ोन पर आते हैं, फटाफट से स्मार्टफोन पर आते हैं दोस्तों। और इसकी कवरिंग को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक दे पाऊँ। यहाँ पर ये वाला स्टिकर भी हम हटा लेते हैं। एंड यस वाओ दोस्तों, जो स्मार्टफोन है मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर आपको मिल रही है और इसके कैमरा मॉड्यूल से फर्स्ट लुक में मुझे या तो आईफोन 11 की याद आ रही है या फिर वन प्लस 9 की भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर झलकियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। स्मार्टफोन का जो कलर है इसको ब्लू हेज यहाँ पर कंपनी बोल रही है और अगर इन फील्ड की मैं बात करूँ तो प्रीमियम मतलब बहुत ही अमेजिंग कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन है। यहाँ पर बैक में आपको ग्लास मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और यहाँ देखिए ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है और इसको मॉड्यूल को अलग से डिज़ाइन करने की थोड़ी सी कोशिश की गई है। दो कैमराज यहाँ पर बड़े दिए हुए हैं, एक यहाँ पर छोटा सा टीनी होल में यहाँ पर कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। बात करें साइड फ्रेम्स की तो ये प्लास्टिक है दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा मोटा स्मार्टफोन यहाँ पर ये नहीं है, लाइट वेट है 189 ग्राम टोटल इसका वेट है। बात करें साइड प्रोफाइल्स की तो ऑन द राइट यू गेट ऑन ऑफ बटन और यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जो कि बरकरार रखा गया है। ऑन द टॉप यू गेट अ माइक्रोफोन, ऑन द बॉटम यहाँ पर आपको एक स्पीकर ट्रे मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है और यहाँ पर ये आपको सिम ट्रे मिल जाती है। सिम ट्रे को जल्दी से यहाँ पर खोल कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी सिम ट्रे यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल नैनो सिम लगा पाएंगे सिम ट्रे में और ऑन द राइट यहाँ पर आपको वॉल्यूम रोकर कीज दी गई है, यानी कि इसमें भी आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। अब जल्दी से स्मार्टफोन को ऑन करते हैं और स्मार्टफोन के अंदर की बात करते हैं। तो दोस्तों फोन को मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया, वन प्लस नोट 2 आपके सामने है। फाइनली डिस्प्ले की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने में डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत लग रही होगी, 6.43 इंचेस का इसका स्क्रीन साइज है, फ्लूइड एमोलेड टाइप डिस्प्ले है और बात करें रेजोल्यूशन की तो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस का इस डिस्प्ले पर आपको सपोर्ट है। एंड बिलीव मी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले पर मिल भी जाता है। बेजल्स की हम बात करें तो आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट बेजललेस यहाँ पर रखा गया है डिज़ाइन और चिन भी काफ़ी ज़्यादा पतली है यहाँ पर और ऑन द टॉप आपको लेफ्ट साइड पर पंच होल मिल जाता है। तो ये रही डिस्प्ले, अब चलते हैं स्मार्टफोन के अंदर। चलिए दोस्तों जल्दी से स्मार्टफोन की सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलने वाला है इसमें। तो अबाउट फोन में आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर यहाँ पर MediaTek Dimensity 1200 AI ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ कंपनी इस बार आई है, पहली बार MediaTek के साथ आई है जैसा कि हमने आपको लीक्स में भी बताया था। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ तीन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम और स्टोरेज के लिए आप 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज या फिर 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज में से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं।
OS की बात करें तो ऑक्सीजन OS 11.3 का वर्जन इसमें आपको इन दी बॉक्स यहाँ पर मिल जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। और बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की दोस्तों, तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं 65 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, NFC इनेबल दिए है और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 5G भी है। और अगर हम इसके साउंड को जल्दी से यहाँ पर चेक कर लें तो देखते हैं कि स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी दी है OnePlus ने Note 2 में। तो स्पीकर की क्वालिटी तो यहाँ पे डिसेंट लग रही है दोस्तों। खास बात यह है कि हैप्टिक्स पर और इसकी वाइब्रेशन मोटर पर भी काम किया गया है और काफी अच्छे हैप्टिक्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द कैमरा पार्ट, तो यहाँ रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसका प्राइमरी कैमरा 50 megapixel का है विद OIS विच इज अ सोनी IMX766 सेंसर, सेकेंडरी कैमरा 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड लेंस है और थर्ड कैमरा 2 megapixel का मोनो लेंस है। वहीं सेल्फी के लिए आपको सिंगल कैमरा दिया गया है जो कि 32 मेगापिक्सल का है। जल्दी से चलते हैं कैमरा इंटरफेस के अंदर और देखते हैं कि कैसा है कैमरा इंटरफेस और जल्दी से इसकी एक क्विक हम यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ बॉक्स की, तो पिक्चर क्वालिटी तो दोस्तों कुछ इस तरीके की है। और अगर हम वीडियो सेक्शन में यहाँ चलते हैं और वीडियो सेक्शन में चल के देख लेते हैं कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन क्या है, तो 4K तक मैक्सिमम आप यहां पर वीडियो बना सकते हैं। फ्रेम रेट जो है वो 60 FPS नहीं कर सकते, 4K विद 30 FPS तक मैक्सिमम रियर साइड से यहां पर आप वीडियो बना सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा पे अगर हम वीडियो की बात करें तो आप यहां पर 1080p तक मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं। तो ये रहा इसका कैमरा इंटरफेस और वीडियो की बात। और मोड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो पोर्ट्रेट वगैरह मोड तो आपको मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो, स्लो मो, टाइमलेस, मूवी एक्सपर्ट, अल्ट्रा रेजोल्यूशन और पैनो, इस तरह के बाकी मोड्स भी यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर रियर कैमरा की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ सेम ही हाल है। तो ये है कैमरा और बाकी सारी बातें मैंने आपको इस स्मार्टफोन के बारे में बता ही दी हैं। आपका क्या कहना है OnePlus Note 2 के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। स्मार्टफोन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर OnePlus के लिए कोई सजेशन है, क्या चाहते थे, क्या मिसिंग आपको लग रहा है या फिर क्या कुछ आपको इस स्मार्टफोन की बेहतर चीज़ लग रही है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्मार्टफोन का कंपैरिजन, परफॉर्मेंस टेस्ट, कैमरा टेस्ट बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए जुड़े रहे 91 मोबाइल्स के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।